सूरत शहर में राजनीति का नया अध्याय शुरू हुआ है। यहां एक स्मशान घाट के निर्माण पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेर लिया है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के नेता स्मशान निर्माण में रुपयों का घोटाला कर रहे हैं। तो आइए आपको बताते हैं आखिर इस मामले की शुरुआत कैसे हुई। दरअसल लिंबायत इलाके के मुक्तिधाम हिंदू स्मशान घाट के निर्माण में घोटाले का एंगल सामने आया है, क्योंकि स्मशान भूमि के विकास के लिए साल दर साल करोड़ों रुपए का फंड मांगा जा रहा है, जिसके चलते विपक्ष के नेता ने स्मशान की ट्रस्टी और विधायक संगीता पाटिल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। 2005 में इसका कॉरपोरेशन में ठहराव हुआ था और उसके जरिए वो लोग टोटल 6,40,00,000 रुपये उनको मंजूर किए थे। कॉरपोरेशन ने मंजूरी देने के बाद वहाँ काम शुरू हुआ, करीबन 5 साल हो गया। 5 साल के बाद भी अभी कुछ वहाँ खड़ा नहीं है, सिर्फ खंडेरी है। 4,05,00,000 रुपया कॉरपोरेशन ने दे दिया है, फिर भी वहाँ आप देखोगे सर पे तो वहाँ कुछ ऐसा है नहीं कि जहाँ 4 करोड़ रुपया यूज़ हो सके, यानी यूज़ हुआ है ऐसा कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। कॉरपोरेशन के अंदर जो ठहराव होता है उसमें लिखा भी है कि ये बहुत ज़्यादा SOR रेट है, उससे भी ज़्यादा ये लोगों ने खरीदी किया है, यानी जो भाव होना चाहिए उससे भी ज़्यादा रेट वो लोगों ने दिया है। इसकी वजह से 2 साल से काम भी वैसे बंद है। और बाद में जब बीजेपी के नए जो वो बने प्रदेश प्रमुख बने, तो उसके आने के बाद फिर से 12 करोड़ रुपये की डिमांड की। ये कोई स्मशान भूमि बनाने का, कोई ताजमहल तो नहीं बनाना है। यहाँ 4 करोड़ खर्च करने के बाद भी यहाँ कुछ नहीं, एक सब भी क्रिमिशन नहीं हुआ है। तो मेरे को ऐसा लगा कि ये कुछ गड़बड़ है और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक फंड का मेरे को गैर वहीवट लग रहा है। स्मशान के निर्माण कार्य में अब तक करोड़ों रुपए का ग्रांट अप्रूव किया जा चुका है, लेकिन जमीनी स्तर पर कहानी कुछ और ही है। गुजरात तक के संवाददाता ने जब नेता के वकील से बात की तो उन्होंने बताया कि स्मशान घाट पर लगाए करोड़ों रुपए उसके निर्माण से नहीं झलक रहे। यहां तक कि ट्रस्ट को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कह दिया कि ये भ्रष्टाचार नहीं, जनता के साथ चीटिंग का मामला है। पहली बात तो ये है कि हमने ऑडिट रिपोर्ट देखा। ऑडिट रिपोर्ट देखने के बाद में हमको पता चला कि 2019 की ऑडिट रिपोर्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंट का हस्ताक्षर ही नहीं है। पहली बात, साइट पे जाकर देखते हैं तो कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, खंडर खड़ा हुआ है। पीरियोडिकल इंस्पेक्शन होगा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के तरफ से, और उसके पीरियोडिकल इंस्पेक्शन के बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रोग्रेस रिपोर्ट फाइल करेगा। प्रोग्रेस रिपोर्ट के बाद में किस्तों में पेमेंट दिया जाएगा। प्रोग्रेस रिपोर्ट देखने के बाद में ही फंड्स रिलीज किया जाएगा। तो यहाँ तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट हमको नहीं दिखा और ना ही उनका कोई उनका कोई रिमार्क्स हमको दिखा। उसके बावजूद अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने 4 करोड़ रुपया जितनी बड़ी अमाउंट उनको रिलीज कर दी। तो जहाँ म्यूनसिपल कमिश्नर खुद ट्रस्टी है, मेयर, डेप्यूटी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन ट्रस्टी है, एक MLA ट्रस्टी है, तो उसके बावजूद भी इतना बड़ा मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड कैसे हो सकता है? करप्शन का मैटर नहीं है, ये पूरे पूरा पब्लिक के साथ चीटिंग का मैटर है। स्मशान घाट में हो रहे इस घोटाले का खुलासा होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए सूरत महानगर पालिका के विपक्ष के नेता ने ट्रस्ट को दिए जाने वाले फंड का पूरा ब्यौरा जारी करने के लिए पत्र भी लिखा है। जो ए जोन के अंदर जो स्मशान बन रहा है, 4 करोड़ रुपए समथिंग, 4 करोड़ से थोड़ा बहुत ज्यादा कम सूरत महानगर पालिका ने, कॉरपोरेशन ने ग्रांट दे दी है, लेकिन वहीं पे जाके देखते हैं तो वहां काम हुआ नहीं है और फिर भी ट्रस्ट 12 करोड़ रुपया मांग रहा है, लेकिन 4 करोड़ का वहां काम दिख नहीं रहा। इसीलिए मैंने भी कागज लिखा है, कॉरपोरेशन में भी कागज लिखा है, तपास की मांग की है कि मेरे को 7 दिन के अंदर जो भी काम हुआ है, जितना भी खर्च हुआ है उसका मेरे को सब हिसाब चाहिए, और जो कॉरपोरेशन से आगे से पैसा जो 12 करोड़ मांग रहे हैं वो क्यों देना है। कॉरपोरेशन के अंदर ऐसा पैसा भी है नहीं है, इतना पैसा कि स्मशान के अंदर 16 करोड़ रुपया खर्चा कर दे, और खर्चा करना चाहिए, करेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहीं पे दिखना चाहिए। इस पूरे मामले पर सूरत महानगर पालिका के महापौर से बात की गई। उन्होंने मनपा पर लगाए गए सभी आरोपों को खारिज किया और कहा कि जरूरत पड़ने पर जांच भी की जाएगी। देखिए, जो लोग आक्षेप करते हैं वो हर काम में करते हैं,
अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट में करते हैं। अब जो नया प्रोजेक्ट सूरत में बन रहा है, चाहे वो स्मशान भूमि हो या चाहे फ्लाईओवर ब्रिज हो या गार्डन हो या कोई भी चीज़ हो, सूरत का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जो पहले कभी भी नहीं था ऐसा, और अभी तक जो सबसे एडवांस सुविधापूर्ण हो ऐसा बनाते हैं। स्मशान भूमि भी लिंबायत में ऐसी बन रही है, फिर भी जिन लोगों को आक्षेप करना है वो किसी न किसी तरह से आक्षेप करके चले जाते हैं। हाँ, अगर उसके पास कोई ऐसी ठोस चीज़ें हो और हमारे ध्यान में लाएंगे तो हम भी उस पर गौर करेंगे, क्या चीज़ है क्या नहीं, वो सारी चीज़ें बताएंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज़ सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में किसी भी प्रोजेक्ट में हुई है। स्मशान घोटाले पर राजनीति का दौर कितना लंबा चलेगा ये साफ नहीं हो पाया है। साथ ही मामले में असल में कोई घोटाला है या नहीं वो भी औपचारिक जांच के बाद ही सामने आएगा। सूरत से संजय सिंह राठौड़ की रिपोर्ट, गुजरात तक।